ठीक है ना? नायरा तुम ठीक हो? ऑल ओके? मैं बहुत टाइम से नोटिस कर रही हूँ, इनफैक्ट हॉस्पिटल से देख रही हूँ कि तुम काफी अपसेट सी लग रही हो। कुछ हुआ क्या? कुछ नहीं भाभी, बस अपनी गलतियों की सजा मिल रही है मुझे, और मिलनी भी चाहिए ना। बहुत हर्ट किया है आप सबको। कार्तिक को यूएस भेजने के बाद मैं या तो किसी को अपनी हेल्प करने के लिए हायर कर लूंगा या इतनी कठोर सजा मत दीजिए भगवान जी। 2 साल अलग रहे एक दूसरे से, अब और नहीं प्लीज भगवान जी। माँ, आप एक बार ये वीडियो देख लीजिए, फिर बात करेंगे। ये शुभम का पैच, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड यू मेक श्योर कि शुभम ये भूले नहीं, और इनकी मेडिसिन्स भी, ठीक है? मां, नायरा शुभम का इलाज करवा रही थी ताकि वो ठीक हो जाए, ड्रग्स के नशे से बाहर आ जाए। उसकी हेल्प कर रही थी मैं। मैंने खुद डॉक्टर से भी बात की। ये देखिए। जब नायरा शुभम को लेकर हमारे पास आई थी तो उसकी कंडीशन ज्यादा सीरियस नहीं थी। हमें लगा था कि हम उसकी रिकवरी बहुत जल्दी कर लेंगे, और वो खुद भी यही चाहता था। उसे पता था कि ये गलत है और वो उसे छोड़ना चाहता था। उसे इमोशनल सपोर्ट की जरूरत थी जो उसे नायरा जी ने दिया था। उसने आप लोगों को इसलिए नहीं बताया था क्योंकि उसे लगता था कि वो आप लोगों की नजरों से गिर जाएगा, बट उसने नायरा से प्रॉमिस किया था कि ठीक होते ही वो आप लोगों को बता देगा। लेकिन उस दिन वो कंट्रोल नहीं कर पाया और ड्रग ओवरडोज की वजह से। आई एम रियली सॉरी फॉर योर लॉस। डॉक्टर साहब, आप जो भी कह रहे हैं उसका कोई सबूत है आपके पास? मतलब मैं कैसे मान लूं कि ये सब सच है? हम सारे पेशेंट्स की वीडियो रिकॉर्डिंग किया करते हैं रिसर्च के लिए। अगर आप कहें तो आई कैन अरेंज सम क्लिप्स फॉर यू। आई होप आपको यकीन हो गया होगा ना माँ कि नायरा के इंटेंशंस बिल्कुल गलत नहीं थे। वो शुभम की हेल्प करना चाहती थी, वो तो बताना भी चाहती थी हम सबको, लेकिन शुभम ने मना कर रखा था, उसे कसम दे रखी थी। मैं भूल गई, मना रहा है फोन पे। जो हुआ वो बहुत अनफॉर्चुनेट था। हम कुछ भी करके शुभम को वापस नहीं ला सकते, लेकिन जो रिश्ते बच गए हैं उन्हें संभाल तो सकते हैं ना, उन्हें ठीक करने की कोशिश तो कर सकते हैं ना। अब तो आपको सबूत मिल गया ना, ये नायरा बेगुनाह है। आप उसे माफ कर देंगे ना? आपकी माफी के बिना हम कभी खुश नहीं हो सकते। हम एक होना चाहते हैं माँ, लेकिन आपके आशीर्वाद के बिना नहीं हो सकता। हो हम साथ आना चाहते हैं माँ, लेकिन जब तक आप साथ नहीं होंगे तब तक ऐसा कुछ नहीं होगा। माँ प्लीज कुछ कहिए ना, आपने मुझे माफ कर दिया। मैं कोई सफाई नहीं देना चाहती माँ, और ना ही मेरे पास कोई सफाई है आपके दुख के यार। माफी जरूर मांगना चाहूंगी माँ,
जानबूझ के ना सही, पर अनजाने में गलती हुई है मुझसे। मुझे ही कोई और तरीका ढूंढ लेना चाहिए था आपको बताने का, कार्तिक को बताने का, और कुछ ना सही तो शुभम को समझाने का। पर मैं डर गई थी माँ, बहुत डर गई थी। और डर जो भी तो गलती है ना, अब फिर वही डर लग रहा है माँ, वही घबराहट हो रही है मुझे। जो गलती पिछली बार कर चुकी हूँ वो दोबारा नहीं करना चाहती माँ। हमें हमें आपकी मदद चाहिए माँ, उसके बिना हम कुछ नहीं कर पाए। मुझे सेल्फिश मत समझिएगा माँ, कि अपनी जरूरत के टाइम आपके पास आ गई, मुझे सच में आपकी मदद चाहिए माँ। उसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते, मुझे सच में आपकी हेल्प, आपके सपोर्ट की जरूरत है माँ। आपने हमेशा मेरी खुशी चाही, लेकिन मैंने खुद ने कभी रियलाइज नहीं किया। आज मैं कहता हूँ आपसे, मेरी खुशी आपकी हाँ में है तो आप मना नहीं करेंगी ना माँ? मैं नायरा के बिना नहीं रह सकता, अपनी जिंदगी उसके साथ बिताना चाहता हूँ। मैंने और नायरा ने मिलकर बहुत सारी बेवकूफियाँ की, ये एक बेवकूफी करने से हमें रोक लीजिए। आप प्लीज कुछ तो कहिए ना। एक माँ की खुशी अपने बच्चे की खुशी में होती है कार्ते। हाँ नायरा, माँ कमरे से बाहर चली गई, शायद हमें टाइम देना चाहती है वो। कार्तिक, मेरी जो भी सुना, जो माँ ने कहा? बिल्कुल ठीक सुना तुम, माँ ने हाँ कहा। I can't believe this, कार्तिक, I really can't believe this। मुझे सच में ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई सपना देख रही हूँ। बिल्कुल नहीं, ये सच है नायरा, माँ हमारे साथ। I know, विश्वास करना थोड़ा मुश्किल, उनका हर्ट, उनका दुख हम कोशिश करके भी समझ नहीं सकते, फिर भी नायरा, उन्होंने नायरा वो मान गई। मेरे बच्चे शुभम, आके खोल मेरे बच्चे। नायरा को कोई याद नहीं है कि वो इस घर में वापस आए। सॉरी, इसलिए नहीं कि हम साथ हैं, इसलिए कि नायरा की कोई गलती नहीं थी, हमने ठीक नहीं किया उसके साथ, वो ये सब डिजर्व नहीं करती थी। जो क्या किया तुमने मेरे साथ, ये क्या किया? माँ के लिए तुम्हारी खुशी से बढ़कर और कुछ नहीं है। और उन्हें पता है कि मेरी खुशी सिर्फ तुम हो। कार्तिक, कहीं हमने कोई गलती तो नहीं करती उन्हें समझने में? 2 साल जो हम समझते रहे कि वो मुझसे नाराज है, हमारे मिलने से उन्हें एतराज है, कहीं हम गलत तो नहीं थे? पर मैं अभी क्यों सोच रही हूँ, अब तो वो मान गई है ना कार्तिक, वो खुश थी, ये मन से मानी वो, या पता नहीं नायर, कोई गिर बात नहीं हुई इस बारे में, लेकिन इस वक्त उनसे खुशी की उम्मीद करना थोड़ा ज्यादा होगा। वो मान गई, उन्होंने हाँ कह दिया, यही बहुत बड़ी बात है।
बाकी वक्त के साथ वो ठीक हो जाएंगे और बाकी रिश्ते भी। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैं शायद कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। नायरा, तुम्हें याद, हम पहले भी एक बार ऐसे मिल चुके हैं। एक बार नहीं, दो बार। नायरा, मैंने डिसाइड कर लिया, हम कल ही शादी कर लेंगे। कल? हाँ, इससे पहले कि पापा मुझसे यूएस जाने की बात करे, हम शादी कर लेते हैं, ताकि हमारे पास एक सॉलिड रीजन होगा कि मैं ना जाऊं। पर कार्तिक, वो ये कुछ नहीं नायरा, अब डिसाइड कर लिया तो बस यही फाइनल है। और जब तक हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे ना, तब तक घर वाले ये समझेंगे नहीं कि हम कितने सीरियस हैं। और शादी करने के बाद अगर सब नाराज हुए तो उस बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं ना, सबकी नाराजगी, उनका डांटना सब मंजूर है हमें, लेकिन ये शादी टल जाए ये मंजूर नहीं। पर ऐसे कैसे करते, हमें किसी को तो साथ लेना ही होगा ना। नानी या फिर कीर्ति थी? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। नानी से ऑलरेडी सब नाराज है, वो भी हमारी वजह से। कीर्ति को मैं और स्ट्रेस नहीं देना चाहता। क्या हुआ, डर लग रहा है? पता है क्यों? क्योंकि तुम बहुत सोच रही हो इस बारे में। जितना सोचोगी उतना डर लगेगा, उतनी हिम्मत टूटेगी। बस कर लेते हैं, फिर बात की बाद में देखी जाएगी। ठीक है, वैसे तो ये ठीक नहीं है, पर इस वक्त यही ठीक रास्ता लग रहा है। मैं सब कुछ अरेंज कर लूंगा, तुम बस आ जाना। वैसे तो यूएस नहीं जाऊंगा, जाऊंगा तो तुम्हें लेकर, सबको बताकर, सबका आशीर्वाद लेके। हो, दिल तो वही है, फिर भी धड़कन नहीं है, धड़कन नहीं है। सांसें वही है दिल की, सरगम नहीं है, सरगम नहीं है। डिटेल्स वगैरह मैं टेक्स्ट कर लूंगा, ठीक है? पर मेरे पास यूएस वीजा नहीं है, बस ऐसे ही बता रही थी। ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है। मेरे पास तो है, पर कौन सा जाऊंगा? फिलहाल टिकट नहीं, पंडित बुक करना है। ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।